उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष की लिखेगा कि दीर्घ लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। यहाँ पर नेता वही है जिसको न भाषा का ज्ञान है न विषय का ज्ञान है, जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने वही बिहार में नेता है। रोज अपनी सभा में कहता हूँ बिहार में 80% लोग, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। आप जो बता रहे हैं ये भी जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये हाउस होल्ड इनकम है, ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 80% बिहार के लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। और ये जानने के लिए हमको नीतीश कुमार का सर्वे देखने की जरूरत नहीं है, नेट पर ये डेटा है और देश और दुनिया के जो सबसे ऑथेंटिक डेटा सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं। नीतीश कुमार के फर्जी डेटा और उनके क्लेम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 80 लोग कहता है भैया अगर दिन का मजदूरी 300 है तो 100 रुपया कैसे है। अगर एक परिवार में एक आदमी को मजदूरी मिली 300 रुपया, उस परिवार में 5 आदमी है तो दिन में हर व्यक्ति पे कितना पड़ा, 60 रुपया। और उस आदमी को भी महीने में 15 दिन मजदूरी मिली तो एक व्यक्ति की प्रतिदिन आय कितनी हुई, 30 रुपया। तो जब यहाँ के आदमी को समझ ही नहीं है, यहाँ पर नेता वही है जिसको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है, जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने वही बिहार में नेता है, जो जीवन में क्लास में स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। और वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है, उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है।